हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो ट्रस्ट वॉलेट ये क्या है और किस तरह से हम इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, साथ ही साथ मल्टी वॉलेट वाला अकाउंट भी खोल सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली फाइनेंस रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर फाइनेंस के सेक्टर में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका डेफिनेटली बनता है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट ये एक ऐसा लॉकर है जो आपके क्रिप्टो वॉलेट्स को डिजिटली स्टोर करने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। चलिए इसे समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जो आपका बैंक लॉकर होता है उसमें आप क्या स्टोर करते हो? कुछ पैसे स्टोर करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हो, या फिर कुछ सोना स्टोर करते हो, यानी कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज है जिसे आप घर पे नहीं रख सकते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वो सेफ नहीं है, उस चीज को जाके आप अपने बैंक अकाउंट के लॉकर में रख देते हो। तो इसी तरह से ट्रस्ट वॉलेट ये क्रिप्टो को सेफ फुली स्टोर करने का एक वॉलेट है, यानी कि एक डिजिटल लॉकर है जहां पे एक बार आपने आपके क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर कर दिया तो फ्यूचर में आपके अलावा कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा और कोई भी उसको जाके बेच नहीं सकता, कोई भी उसमें कुछ भी तरीके का छेड़खानी नहीं कर सकता, उसका 100% ओनरशिप आपके पास आ जाती है। यानी कि फ्यूचर में आपने जो क्रिप्टो खरीदा है वो जो एक्सचेंज से खरीदा है वो एक्सचेंज भी बंद हो गया तो भी ट्रस्ट वॉलेट से आप उसे ट्रांसफर करके बाइनेंस पे जाके सेल कर सकते हो। और इसीलिए ट्रस्ट वॉलेट बन जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हर एक इन्वेस्टर के मोबाइल में होना चाहिए अगर वो क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो। साथ ही साथ अगर पर्लवाइन मेंबर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पर्लवाइन मेंबर्स के लिए ट्रस्ट वॉलेट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च होने वाला है जिसकी जो सारा प्रोसीजर है, जो पूरा ट्रांजेक्शन है, वो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही हो रहा है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने 3 डिटेल वीडियो बना रखी है जिसके लिंक ऊपर मैं आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उन तीनों वीडियोस को चेक करिए ताकि आपको ये क्लियरली समझ जाए कि किस तरह आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू अपना जो पीवीसी मेटा टोकन है उसे खरीद सकते हो और फिर पीवीसी मेटा टोकन जो ट्रस्ट वॉलेट में खरीदोगे उसको और अपने पर्लवाइन अकाउंट को किस तरह लिंक कर सकते हो, ये भी मैंने इन वीडियोस में डिटेल में बताया। सो प्लीज उन वीडियोस को चेकआउट करिए। तो चलिए अब सीधा चलते मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एक मल्टी वॉलेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वॉलेट वाला अकाउंट आप खोल सकते हैं। सो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ट्रस्ट वॉलेट को। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट पर। इसके बाद ये जो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस का बॉक्स है नीचे देखो, इसे टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको एक पासवर्ड मांगेगा, यानी कि आपको ट्रस्ट वॉलेट में हर बार एंटर करते टाइम ये पासवर्ड रखना होगा, तो इसलिए ये पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपको हमेशा याद रहे, इजी पासवर्ड रखें ताकि आप हमेशा इसे याद रख सकें। पासवर्ड सेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, वहाँ पे ऊपर लिखा है बैकअप योर वॉलेट नाउ। इसके बाद ये तीनों बॉक्स को टिक मार्क करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है ये 12 वर्ड्स। जी हाँ, ये 12 वर्ड्स अगर आपसे घूम गए या फिर आपसे मिसप्लेस हो गए तो फ्यूचर में आप कभी भी अपना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे, और अगर ये कोड किसी और को मिल गए तो आपके ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी इजीली विड्रॉ कर सकता है। जैसे सेम बैंक लॉकर वाला ही सीन है, अगर बैंक लॉकर की आपके बैंक लॉकर की चाबी किसी थर्ड पर्सन को मिल गई तो आपका बैंक लॉकर या फिर आपकी तिजोरी खोल के वो सारा माल लेके जा सकता है, लेकिन अगर वो चाबी आप अपने पास ही रखोगे किसी को दोगे नहीं तो उसके बिना वो कैसे उसको ओपन कर सकता है। तो ट्रस्ट वॉलेट में भी सेम होता है, ट्रस्ट वॉलेट में भी आपका जो भी अकाउंट है वो आपके पास तभी तक है जब तक आप ये 12 नंबर का रिकवरी फेज अपने पास रखते हो और इसे किसी और को ना देते हो और ना ही इसे घुमा देते हो। तो इसको आपको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कहां पे लिख के रखिए, साथ ही ईमेल में ड्राफ्ट करके रखिए ताकि फ्यूचर में आपको हमेशा मिल सके, और ऐसी जगह पे लिख के रखिए वो भी लाइन वाइज कि फ्यूचर में आपको मिले, कोई ऐसी डायरी में या फिर कोई ऐसी बुक में मत लिख दीजिए जो आप थोड़े दिनों में रद्दी में दे दोगे या फिर कहां पे फेंक दोगे, ऐसी इंपॉर्टेंट जगह लिखिए या फिर इसका डॉक्यूमेंट बना लीजिए और उसको अपनी डॉक्यूमेंट्स की फाइल में सेफली रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कई इंपॉर्टेंट जगह पे पेस्ट कर देना है, या फिर आपको इसका नोट बना के कहाँ पे लिख के रखना है इंपॉर्टेंट जगह पे, और आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो क्योंकि ये एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आप अपना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। तो अब मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया है, तो अब ट्रस्ट वॉलेट में मैं फिर से आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल के आगे आ गया, इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो 12 वर्ड्स हमने देखे वो 12 वर्ड्स को अभी हमने 1 to 12 जो लाइन था वो लाइन वाइज इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं अपने वर्ड्स देख लेता हूँ क्या क्या थे। 12 वर्ड्स मैंने लाइन वाइज इधर डाल दिए, अब मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद आपका वॉलेट अभी क्रिएट होएगा, या लिख क्या रहा है क्रिएटिंग वॉलेट,
जी हाँ, आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, योर वॉलेट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, डन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो सक्सेसफुली खुल चुका है। अब ये तो हो गया आपका ट्रस्ट वॉलेट, तो अब ये ट्रस्ट वॉलेट को अगर आपको नाम देना है, अब यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ना मल्टी कॉइन वॉलेट, अगर इसमें आपको नाम देना है तो आप अपना नाम भी दे सकते हो। उसमें आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा, राइट कॉर्नर पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वॉलेट के मल्टी कॉइन वॉलेट लिखा है ये तीन डॉट वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नेम चेंज करके आप कोई और अपना भी नेम रख सकते हो, मैं मेरा नेम रख देता हूँ यानी मोहित लांबा, और इसे बैक कर देता हूँ यानी कि सेव हो जाएगा। तो अभी मल्टी कॉइन वॉलेट मेरे नाम से आ जाएगा। तो अभी अगर आपको इसी के साथ एक ट्रस्ट वॉलेट के साथ दूसरा या फिर और भी तीन से चार ट्रस्ट वॉलेट को अगर डाउनलोड करना है, क्योंकि पर्लवाइन के मेंबर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पर्लवाइन मेंबर्स में अभी जैसे हमें पीवीसी मेटा और ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करना है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोज बना रखी है, जो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक के थ्रू उन वीडियोज को इजिली देख सकते हो, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो हमारे डाउनलाइन के यूजर्स है या फिर जिनको हमने बनाया है, तो उनके भी या फिर जान पहचान या फिर घर में भी अगर कोई पलवाइन की आईडी है, तो उन सभी लोग के ट्रस्ट वॉलेट भी हम अपने उसमें रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी सेम प्रोसीजर वो करनी पड़ेगी फॉलो, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो समझो अभी आपके ट्रस्ट वॉलेट के साथ किसी और का भी ट्रस्ट वॉलेट आपको अपने पास रखना है, तो ये ऊपर प्लस का ऑप्शन इस पर क्लिक करो, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करो जो मैंने अभी बताई, जो वॉलेट क्रिएशन की प्रोसीजर है वो फॉलो करोगे। उसके बाद कोई और बंदे का भी जो अकाउंट है, जो ट्रस्ट वॉलेट है, वो आप अपने पास रख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें भी जो 12 नंबर्स आएंगे वो 12 नंबर्स अलग हो गए, तो जिस बंदे का आप बना रहे हो उस बंदे के नाम के साथ जो उसके 12 वर्ड्स रहेंगे, वो 12 वर्ड्स का जो फ्रेज है, रिकवरी फेज उसे कहा जाता है, उसे लाइन वाइज यानी पहला है वो पहला, दूसरा है वो दूसरा, ऐसा लाइन से उस 12 वर्ड्स को कहाँ पे सेफ लिख के रखिए, और वो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व करके रखना, ताकि वो कहां पे भी मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि वो मिसप्लेस हो गया तो ट्रस्ट वॉलेट भी मिसप्लेस हो जाएगा, तो ट्रस्ट वॉलेट में जो पैसा होगा वो भी चले जाएगा, उसे आप कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए ये 12 वर्ड्स को बचा के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए फिनटेक बाय मोहित लांबा पे बने रहे। थैंक यू सो मच।